तो राजीव पहला राउंड हो चुका है, दावे प्रतिदावे आपने सुन लिए हैं, उसके बाद कौन यहाँ पर भारी और कौन यहाँ हल्का पड़ता आपको नजर आ रहा है, मतलब अगर मैं महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को समझूं। देखिए पूजा, ये सारी पार्टियों के प्रवक्ता हैं और शाइना एनसीजी तो अटल आडवाणी के जमाने की बीजेपी से अब तक की बीजेपी में है और सबको अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन आज की राजनीति का यथार्थ यही है कि अब केवल सत्ता के लिए राजनीति है और वर्तमान की राजनीति है, ना उससे अतीत को जोड़ के देखा जा रहा है ना भविष्य को। आज क्या हो सकता है अगर 30 साल के कम के बच्चों को ये कहा जाए कि इसी देश में एक केंद्र सरकार एक वोट से गिर गई थी तो उसे यकीन नहीं होगा, और अगर उससे ये कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो एक वोट से गिर गई तो भी उसे यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये देखता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी होने के बावजूद एक पार्टी से बगावत किए हुए नेता को, जिसके विधायकों की संख्या उसकी आधी है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है और सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद अपने नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो बात तो यह है, हमारे पास ना जाने हजारों टेप होंगे, आपकी डिबेट के सैकड़ों टेप होंगे जिसमें नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा था और नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के लिए क्या क्या कहा था। आज नीतीश कुमार की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार, और अगर आज के प्रवक्ताओं से दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, आज के सारे प्रवक्ताओं से मेरी तरफ से केवल 3 सवाल पूछ दीजिए। पहला ये कि एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी किस नेता ने कहा था, चक्की पिसिंग किस नेता के बारे में कहा था, और बाला साहब ठाकरे ने जब कहा था और किस नेता ने, मैंने नाम ले लिया, किस नेता ने यह बयान दिया था कि शिवसेना अपनी पार्टी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये सवाल सारे प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए, दर्शकों को भी जवाब अच्छा लगेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल, आपने जो अपने 3 सवालों से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एकदम वाइब्रेंट सिचुएशन में आपने सबको ला दिया है। तो शाइना शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि समय कम है, 10 से 20 सेकंड में आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। शाइना देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को लेके ये फॉल्स नैरेटिव क्यों स्प्रेड करती है, जब 106 बार संविधान में प्रावधान लाए गए तो इसमें से 80 बार कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि संविधान को कोई खतरा था ही नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हो तो भारतीय जनता पार्टी ने सेलिब्रेट किया, प्रियम्बल है हर एक स्कूल तक लेके गए। तो ये जो अफवाहें फैलाने का फैक्ट्री है ना, जहां आप कुछ कहें और कुछ और आपका एक भीतर से एक लक्ष्य है कि लोगों को गुमराह करना, वो नहीं चलेगा। और हम समझ चुके हैं, पूजा जी आपने पूछा लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर होगा, मैं संक्षेप में कहना चाहती हूँ, लोकसभा में फॉल्स नैरेटिव का फैक्ट्री चल रहा था, विधानसभा में नहीं चलेगा क्योंकि लोगों ने देख लिया है। और जो लोग बंटवारा और जो नैरेटिव आपने करने की कोशिश की, जिस तरफ राजीव का भी इशारा था, भाई भ्रष्टाचार परिवारवाद उसी पर बहुत ज्यादा घेर रहे थे ना आप लोकसभा चुनाव में, अब भ्रष्टाचार के लिए तमाम यहां पर उदाहरण भी दे दिए, चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, उस पर भी जवाब दीजिए ना। मुझे पता था आप ये बोलेंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन कोई दे रहा है किसी को? जो केस आदरणीय कोर्ट्स मैटर्स सब जुडिस है, आप और हम नहीं तय कर सकते हैं कौन भ्रष्ट और कौन नहीं। और भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है, जो विपक्ष में बैठा है, कांग्रेस हो या एनसीपी शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे जी का सेना हो, हम सब जानते हैं और जनता जानती है। तो ये जनता जो है बहुत चाह रहे, उनको पता है उसको क्या देना चाहिए कब। और जिस ढंग से आप पूछ रहे हैं, 240 सीट जब एनडीए भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 300 मिलता है एनडीए को, हाँ। तो ये इतिहास जो बना है वो हार जीत के रूप में मत देखिए, महाराष्ट्र की विश्लेषण और महाराष्ट्र का अगर तो मैं देखूं तो वो 42 से 17 भी नजर आता है। शाइना जी वो 42 से 17 भी नजर आता है। आनंद दुबे, दूसरा सवाल जो बहुत ही अहम उठाया था शिवसेना बाला साहब ठाकरे के टाइम पर, बहुत अहम बयान था, दुकान बंद हो जाएगी लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं, लेकिन पूजा जी कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो कह रही है बीजेपी। नहीं पूजा जी, ऐसा है, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी समय समय पर समर्थन भी करते रहे और समय समय पर विरोध भी करते रहे। 1975 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी का आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन किया, प्रतिभाताई पाटिल और प्रणव दादा मुखर्जी दोनों ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका समर्थन किया, और जहां लगा कि कुनीतियां हैं, कांग्रेस कहीं गलती कर रही है तो विरोध भी किया। ये राजनीति में एक बड़े नेता का चाल चलित चेहरा होता है कि जहां सच्चाई है वहां सच्चाई की बात करो, जहां कोई बुराई है, जहां कहीं झूठ चल रहा है, गुलाबचंद दुबे बोलिए, यही बाला साहब ठाकरे जी ने किया है, इसमें कोई परेशानी का कारण नहीं। ठीक है गुलाबचंद दुबे जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रमोद महाजन जी और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का मैत्रीपूर्ण व्यवहार 26 वर्षों तक महाराष्ट्र धरातल पर राजनीतिक पटल पर चलता रहा, उसी धरोहर को आज चला करके हाँ। सिद्ध हो गया है कि असली शिवसेना कौन है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कांग्रेस से हमारा कभी समझौता नहीं हो सकता, अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बदली तो शिवसेना का दरवाजा हमेशा के बंद हो जाएगा, ऐसे महापुरुष का उनके विचार। अभी भी आप इसी असली और नकली की लड़ाई में अभी भी घिरे हुए हैं। महेश चौहान,
10 से 20 सेकंड। देखिए एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहने के बाद बीजेपी ने अजीत पवार को उनके साथ कैसे लिया ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। क्यों लिया अगर वो एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है तो, और एटलीस्ट उनको नाम तो बदलने बोलते, नाम भी वही रखा, कोर्ट में लड़के उन्होंने नाम एनसीपी लिया, उन्होंने बोलना चाहिए था ना बीजेपी ने अजीत पवार भाई शरद पवार जी को दे। राजीव रंजन जी के सवाल में ही उनका जवाब था, बीजेपी और मोदी जी के कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। यही चुनाव में हमने देखा है कि मोदी जी एक दिन मुस्लिम विरोधी थे तो दूसरे दिन मुस्लिम के हित में बात कर रहे थे, दरगाह दरगाह पे जाके माथा टेक रहे थे, पूरे देश ने देखा। तो जिस तरीके की राजनीति भाजपा और मोदी जी ने की है तो ये सब कहना कहीं ना कहीं ये मिथ है। बाला साहब ठाकरे आदरणीय उस जमाने के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, उस वक्त की राजनीति के इस पे कही थी, उसको समझना जरूरी है। आज महाराष्ट्र आप तो फायदे में ही रहे और उसका फायदा आपको मिला लोकसभा चुनाव में। अब विधानसभा में आपकी क्या भूमिका रहेगी उस पर सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।